हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। जैसे आज का हमारा टॉपिक है, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला हमारा वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बढ़ सकती हैं, परमेश्वर के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देख लेना, काट पीट के मत देखना, ठीक है। कटी पिटी जानकारी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आज एक मसीही विश्वासी प्रार्थना तो करता है, 5 मिनट करता है, 10 मिनट करता है, 20 मिनट करता है, 1 घंटा करता है, फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है, आखिर क्या कारण है? तो चलिए हम वचन से देखते हैं। जैसे यशायाह 1:15-17 वचन में लिखा हुआ है, तृतीय बाइबल से प्रूफ आपके लिए, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय चुकाओ, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अभी हम आपको अच्छे से इस वीडियो में समझाएंगे। वचन के माध्यम से परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना में मेरी ओर हाथ फैलाओगे, यीशु मसीह से जब प्रार्थना में आप हाथ फैलाओगे तब यीशु मसीह आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपके हाथ तो खून से भरे हैं, हत्या करके, व्यभिचार करके, घिनौने कामों से पवित्र हैं। दूसरों की चुगली करते हो, बुराई करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, मुँह से गालियाँ बकते हो और कहते हो यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने बुरे कामों को दूर करो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। वे बुराइयाँ, वे पाप कौन से हैं? देखिए, यीशु मसीह पवित्र है, पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो नाव बीच में ही जरूर डूब जाएगी, ठीक है। यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह का वचन भी कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चल चल में पवित्र बनो। हम सभी को पवित्र बने रहना है, ठीक है। कि जब आप पाप करते हो तो यीशु मसीह देखता है, तभी तो कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। जो एक दूसरे की बुराई करते हो, उसकी बुराई उससे करते हो, मुंह से गालियां बकते हो, लड़ाई करते हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उपवास के दिन भी लड़ाई झगड़ा करते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुरे काम है कौन से, तो सुन लो। व्यभिचार करना, मुँह से गालियां बकना, एक दूसरे के लिए कुढ़ना, गाली देना, पाप करना, बुराई करना, व्यभिचार करना, जिससे यीशु मसीह नफरत करते हैं। और हमें एक दूसरे की भलाई करना है, भलाई के बदले बुराई नहीं करना है। और उपद्रव को सुधारो, जो गलत चाल चलते हैं, और अनाथ का न्याय चुकाना है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका पति नहीं होता, मेरे प्रियजनों उनको खाना खिला दो, उनकी मदद करो। विधवा का मुकदमा लड़ना है, जिनके पति नहीं है उनकी मदद करो, सहायता करो मेरे प्रियजनों, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। यीशु मसीह हमारी इच्छाओं को, जरूरतों को जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम सभी को यीशु मसीह के योग्य कार्य करना है, पाप से बुराई से अलग रहना है। आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।